अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसी फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूँ जिसको यूज़ करने से आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये क्रीम काले से काले हाथों पैरों को भी एकदम गोरा चिट्टा कर देगी। तो इसमें हम जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं उसमें है जी वाइटनिंग कैप्सूल, ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएंगे। और सेकंड नंबर पे जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल, जिसे हम फिश ऑयल कैप्सूल भी बोलते हैं। और ये है जी हमारे पास ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को नरम और मुलायम बनाती है और ड्राई होने से बचाती है। तो जी, मैं यहाँ पर ग्लिसरीन प्योर यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद जी जो हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है टॉबीवेट क्रीम। टॉबीवेट क्रीम आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाती है। इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो ये सिर्फ मुझे 110 रुपये में मिली है, इतनी कॉस्टली नहीं है। टॉबीवेट क्रीम बहुत से फार्मूलास में इस्तेमाल की जाती है वाइटनिंग के लिए। अब इसको मैं ओपन कर रही हूँ और आप इसकी ट्यूब देख लें कि ये कितनी क्वांटिटी में होती है। चले जी, हम रेमेडी को करते हैं स्टार्ट। हमें चाहिए यहाँ पर एक क्लीन बाउल, और बाउल में हम ऐड करेंगे टॉबीवेट क्रीम। ये हम सारी की सारी क्रीम इस बाउल में ऐड कर देंगे। मेरी प्यारी बहनों, वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई पार्ट मिस ना हो और आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगी तो आप सही फार्मूला क्रीम घर में रेडी कर सकेंगी और अपनी मर्जी का रिजल्ट हासिल कर सकेंगी। ये हमने सारी क्रीम बाउल में निकाल ली है। अब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करते हैं। ये सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 3 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, हेल्दी बनाते हैं। बर्तन वगैरह धोने की वजह से या और भी काम करने की वजह से हमारे हाथों में जो क्रैक्स आ जाते हैं ये उन क्रैक्स को भी हील करते हैं। यहाँ पर जी मैंने ऐड कर दी है 3 विटामिन ई के कैप्सूल। देन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 5 वाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, 10 रुपीज़ का ये एक कैप्सूल आपको मिलता है। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आप इसे इजीली ले सकते हैं। ये वाइटनिंग कैप्सूल हमारी स्किन को वाइटनेस देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जी, इसमें मैं 5 अदद वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करूँगी। 1 by 1 करके हम इसमें कैप्सूल ऐड करते जाएंगे। यकीन करें, अगर आप ये क्रीम बना लेते हैं और अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ठीक 3 दिन आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हाथों का कलर कितना लाइटन होना स्टार्ट हो गया है। 3 दिनों के ही इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हाथों का और पैरों का डार्क टोन है वो लाइटन टोन की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है। अब जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने लगे हैं वह है ग्लिसरीन। मैं यहाँ पर प्योर ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करिए कि आप भी प्योर ग्लिसरीन ही यूज़ कीजिएगा। हम इसमें 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन ऐड करेंगे। याद रहे कि ये क्रीम जस्ट सिर्फ अपने हाथों पैरों पर अप्लाई करनी है, फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी। ये क्रीम फेस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये क्रीम फार्मूला क्रीम है, ये जस्ट आप हाथों पैरों पे लगा सकते हैं, फेस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, ये बात अपने जहन में रखनी है कि इस क्रीम को बिल्कुल भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, हाथों पैरों के लिए ये बेस्ट क्रीम है। अब आपने इस क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट इसका एक दूसरे से अलग ना रहे। आपने इसको बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप करना है कि इसके ऑल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएं।
तो जी यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक जार की। आप कोई भी घर में खाली कंटेनर, कोई भी जार आपके पास हो, बट वो क्लीन होना चाहिए। हम उस क्लीन जार में अपनी सारी की सारी फार्मूला क्रीम ऐड कर देंगे। रमजान चल रहा है, जल्दी से इस क्रीम को बनाएं और अपने हाथों पैरों पे अप्लाई करें और अच्छे से रिजल्ट हासिल करें। और ईद का जब आप जूता लेने जाएं तो कोई भी जूता ऐसा ना हो जो आपके पाँव पे खूबसूरत ना लगे। हर जूता आपके पाँव पे ऐसा लगे जैसे आपके लिए ही बना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने इस क्रीम को यूज़ कैसे करना है। रात को सोने से पहले जब आप अपने बेड पर जाएं सोने के लिए, उससे पहले अपने हाथों और पैरों को अच्छे से वॉश करना है। उस पर डस्ट मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हाथों पैरों को वॉश करें और हल्की सी क्वांटिटी में आपने हाथों पे और पैरों पे क्रीम को अप्लाई करना है। 1 से 2 मिनट आप इसका मसाज करें क्रीम का हाथों पैरों पे और इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इनकी सारी रात आपके हाथों पैरों पे ये क्रीम लगी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लास्ट में हिट कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट बनाती रहती हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।